लोगों में से सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। जो इम्पोर्टर है इसको मंगवाते हैं और वो मनमानी कीमतों के ऊपर, अगर उन्हें स्टॉक किया मनमानी कीमत के ऊपर जो है वो उसको सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूँ आपकी मेज़बान ऐमन इसरार। नाज़रीन, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लोग इससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में मास्क बआसानी दस्तयाब नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, कहीं से 50 तो कहीं से 100 का मिल रहा है। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसी दुकान पे जहाँ पे मास्क उसकी एक्चुअल प्राइस में दस्तयाब किया जा रहा है, तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। उस्मान साहब, ये आप जो मास्क दे रहे हैं और उसकी एक्चुअल कीमत में दे रहे हैं, ये रहम दिली आप में ही क्यों आई? सबसे पहली बात तो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, लोगों में से सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। और हमारी ज़ात से जिस जिसको नफ़ा पहुँचना चाहिए, हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर नफ़ा पहुँचना चाहिए हम नफ़ा पहुँचा रहे हैं। जितनी हमारे पास कोशिश है, जितने हमारे पास ताकत है, हम उसके मुताबिक लोगों को जो है वो जितनी मिनिमम से मिनिमम प्राइस के अंदर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो मास्क माफिया है, ये बेसिकली है कौन लोग? मास्क माफिया जो है ये वो लोग हैं जो आम बंदा जिसको पता चल रहा है कि इसकी प्राइस ज्यादा है, वो जहाँ से जिसको मिल रहा है उसको सेव करता जा रहा है और सेव करके वो अपनी मनमानी कीमत पे बेच रहे हैं। कुछ तो ये बात, कुछ वो लोग हैं जो इम्पोर्टर हैं, इसको मंगवाते हैं और वो मनमानी कीमतों के ऊपर, अगर उन्हें स्टॉक किया मनमानी कीमत के ऊपर जो है वो उसको सेल कर रहे हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, मास्क लेके जाते हैं और उनको एक्चुअल कीमत में जब मिलती है तो उनके चेहरे पे खुशी होती होगी, वो खुशी देख के आपको कैसा महसूस होता है? जिस तरह आम रूटीन है कि इंसान को जो ना खुशी देकर जो ना वो इंसान को खुशी ज्यादा होती है, पैसे के साथ खुशी नहीं है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो महंगा बेच के खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी ज़ात के साथ जिसको फायदा हो रहा है, तो वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोवाइड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं, पूछ के चले जाते हैं, लेकिन हम उनको रोके खुद फ्रीली भी लगवा देते हैं। कुछ एजेंट लोग आते हैं, अम्मा जी आ गए, कुछ बाबा जी आ गए, जो भी आते हैं हम उनको फ्रीली भी दे देते हैं कि आप लगाएं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये जो मास्क माफिया, इसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबके लिए पैगाम यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन इहताकर फहुवा खातिउन, जिसने ज़खीरा अंदोज़ी की वो खताकार है। और दूसरी बात थी कि जो माल बेचता है वो प्रॉफिट कमाता है, फायदा मिलता है, और जो इसको रोक के रखता है वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनता है। जी तो नाज़रीन, आपने उस्मान साहब की जिंदा दिली का अंदाजा उनकी गुफ्तगू से लगा लिया होगा। अपनी मेज़बान ऐमन इसरार को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।